जो हमारी साथ हमारे दोस्त जो पढ़ते थे उनसे मैं 3 गुना, वे जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनसे मैं 3 गुना कमा रहा हूँ अपने फार्म से। जी जी, मतलब आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? जी पूरे संतुष्ट हैं जी। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में मोहम्मद आदिल के फार्म पर। 2 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने नौकरी ना करके देसी मुर्गी पालन को चुना और अपने घर पर ही मात्र 200 देसी बर्ड से इन्होंने अपने फार्म की शुरुआत की। आज इन्होंने अपने खेत में बहुत सस्ते में एक अच्छा सा फार्म बना लिया है और एक अच्छे लेवल पर ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आदिल जी से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपके सभी देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब, हम मुजफ्फरनगर के एक गांव नरा के निवासी है और हमने देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है अपने गांव में। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। आपने ये अपना मुर्गा फार्म किया हुआ, देसी मुर्गा फार्म जी, है। कितना समय हो गया इसको शुरू किए हुए? सर हमें देसी मुर्गी फार्म को शुरू किए हुए 2 साल हो गए। 2 साल से कर रहे हैं जी। तो इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर मैं पढ़ाई करता था। पढ़ते थे जी। तो इसमें विचार कैसे आया आने का? देखो सर, लॉकडाउन के बाद कोई काम नहीं था तो फिर सोचा कि देसी पोल्ट्री फार्म करते हैं, फिर देसी पोल्ट्री फार्म किया हमने। तो कितने बर्ड से शुरू किया था आपने ये? सर हमने 200 बर्ड से शुरू किया था। कौन सी ब्रीड लाए थे? डबल एफ जी। कितना बड़ा बर्ड लिया था? 1 दिन का चूज़ा लेकर आए थे सर। किस रेट में लिया था ये चूज़ा? हमको सर 22 रुपये का पड़ा था उस टाइम। 22 रुपये का जी। कहाँ से लिया था ये सर? मंगवाया तो हमने गोरखपुर से, पर हमको ये रुड़की से मिला था सर। रुड़की से जी। जो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में आपका ये फार्म है बना हुआ जी। ये आपकी अपनी ज़मीन है? जी हमारी अपनी ज़मीन है। कितनी ज़मीन है ये? ये सर 3 बीघे ज़मीन है हमारी। और देख रहा हूँ आपका शेड भी काफ़ी बड़ा है जी। तो किस साइज़ का शेड है आपका ये? सर हमारा शेड जो है अभी फ़िलहाल ये 25x80 का है। 25x80 है जी। तो खर्चा कितना आया था इसको बनाने में? इसमें सर हमारा 1 लाख के समथिंग का खर्चा आया था। 1 लाख का जी। ये बताइए अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है बर्ड्स की और कितने बर्ड हैं अभी? सर हमारे पास अभी RIR है और कड़कनाथ है और डबल एफ जी है। अभी हमारे पास 500 बर्ड है अभी हमारे पास जी। अच्छा, फीड में क्या देते हैं आप इनको? कंपनी का फीड देते हैं सर इनको हम। क्या रेट आता है फीड अभी? सर जो कंपनी का बैग आ रहा है फीड का वो 1400 रुपये का समथिंग आ रहा है। कौन सी कंपनी का फीड है ये? ईजी कंपनी का सर। ईजी कंपनी का है। और पानी में क्या दे रहे हैं आप इनको? इनको पानी में हम यही बस सादा पानी देते हैं। सादा पानी देते जी। हैं। अच्छा, जैसे सर्दी है जी, तो सर्दी का क्या इंतजाम किया हुआ आपने? सर्दी का सर हमने यही के भट्टी लगाई हुई है, उसके गर्म उसके टेम्परेचर के लिए भट्टी लगाई हुई है और पर्दे लगाए हुए हैं फार्म में। पर्दे चढ़ा देते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए, बच्चों को रहने में। अभी अंडे आ रहे हैं आपके जी? हमारे यहाँ अंडे आ रहे हैं। कितने अंडे आते हैं रोज? अभी 300 के लगभग अंडे आ रहे हैं फिलहाल। 300 अंडे जी। तो बेचते कहाँ पे हैं उनको आप? ये अपना मुजफ्फरनगर में ही सेल हो जाते हैं सर। क्या और कुछ फार्म से सेल हो जाते हैं। ये 10 रुपये का अंडा जा रहा है सर अभी। 10 रुपये का जी। सब एक ही रेट जा रहा है कड़कनाथ RIR डबल एफ जी? कड़कनाथ का 25 रुपये का अंडा जा रहा है अपना और ये 10 रुपये का जा रहा है देसी। तो 25 रुपये बिक जाता है आपका? जी आराम से बिक रहा है। कौन खरीदता है उस अंडे को? ये यहीं से खरीदते हैं जो जिम वाले बंदे होते हैं, ये लेके जाते हैं यहीं से। और जो तैयारी करते हैं जैसे कि आर्मी की तैयारी करते हैं बंदे, ये सब लेके जाते हैं सर यहीं से। अच्छा जी। तो इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं जी, लेबर का कैसे मैनेज करते हैं आप? सर इस फार्म पे हम खुद से ही काम करते हैं, हमने कोई लेबर नहीं रखी हुई है। अच्छा, थोड़ा आप अपनी दिनचर्या बताइए, सुबह से शाम तक आप कैसे कैसे करते हैं? देखो सर हम ना सुबह में 8 बजे फीड और दाना पानी लगाते हैं बच्चों को और फिर शाम में 5 बजे लगाते हैं दाना पानी। अच्छा जी। और पूरा दिन यहीं पे रहते हैं। तो खुला किस समय छोड़ते हैं आप इनको? सर हम इनको सुबह में भी छोड़ते हैं खुला और शाम में भी छोड़ते हैं। कितनी टाइम के लिए छोड़ते हैं? 2-2 घंटे कम से कम। 2 घंटे सुबह छोड़ते हैं, 2 घंटे शाम जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ चूजे भी हैं जी। ब्रूडिंग चल रही है चूजों की? जी ब्रूडिंग। ये कितने चूजे डाले हैं आपने? ये हमारे यहाँ अभी 1500 चूजे हैं सर। 1500। ये किस रेट में लिया आपने? ये हमको सर पड़ा है अभी 22-22.5 रुपये पड़ा है सर। कौन सी ब्रीड है? डबल एफ जी है। ये कहाँ से मंगाया आपने? ये हमने करनाल से मंगाया है। करनाल से मंगाया जी। तो यहाँ पर आपको 22.5 रुपये का पड़ा आपका जी। अभी आप इन बच्चों को कौन सा फीड दे रहे हैं जो चूजे हैं आपके पास? इन्हों हम अभी प्री स्टार्टर फीड दे रहे हैं।
ये कौन सी कंपनी का है? ये भी ईजी का है। ईजी का है जी। कैसा लगा इस कंपनी का फीड आपको? ये सर देखो सही लगा मुझको तो फीड। ये ग्रोथ कैसी आ रही है बच्चे? अच्छी ग्रोथ आ रही है। हमने 2 साल हो गए, एक अच्छा खासा अरसा होता है 2 साल का जी। तो कोई मोटिलिटी वगैरह कोई हारी बीमारी तो नहीं आई फार्म? नहीं सर ऐसी कोई बीमारी नहीं आई। तो अभी आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? अंडा है, और जो आपके जो बड़े तैयार मुर्गे होते हैं उनका क्या करते हैं आप? सर हम उनको मंडी में सेल करते हैं। मंडी में जी। क्या रेट जाता है आपका बर्ड? जो 150 रुपए से 170 रुपए केजी उठता है यहाँ से। अच्छा जी। और फुटकर में भी बेचते हैं आप इनको? जी फुटकर में भी जाता है। वो क्या रेट बेचते हैं? 700 रुपए का भी जाता है, 600 रुपए का भी जाता है। पर वो कम बिकता है जी, 1-2 बिकता है बस। अच्छा जी। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम? अच्छा लगा जी हमको तो, वो बहुत अच्छा लगा काम हमको ये। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? बस यही है कि काम को अपने बढ़ाएंगे, काम को और आगे लेके जाएंगे। किस लेवल तक आगे लेके जाएंगे? बस अभी बच्चों पे काम करते, बच्चों पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि चूजों पे भी काम किया जाए। चूजों से काम करने से क्या मतलब है आपका? हैचरी के बारे में सोच रहे हैं सर। अच्छा अपनी हैचरी लगाएंगे जी। तो उसके लिए तो पेरेंट बर्ड की जरूरत पड़ती है जी ना? पेरेंट बर्ड की हम तैयार कर रहे हैं पेरेंट बर्ड। अच्छा पेरेंट बर्ड तैयार कर रहे हैं। कितना बर्ड है जिसको आप पेरेंट बर्ड के तौर पर तैयार कर रहे हैं? ये करेंगे हम सर 1000 के करीब। 1000 बर्ड करेंगे जी। तो अभी आप चूजे कितने लाए हैं इस वक्त? 1500 लाए। तो इसमें से आप पेरेंट बर्ड तैयार करेंगे इसको जी। भाई जी 2 साल का अरसा एक अच्छा खासा अरसा होता है शुरू करने के लिए किसी काम को जी। और मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप नुकसान में आ जाएंगे। बिल्कुल। आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। सर देखो हमने अपनी मार्केट ऐसी बनाई है कि हमने शहर के अंदर बोर्ड लगाए हुए हैं, और जो एग की दुकान है शहर के अंदर हमारी, वहाँ पे हम जाके अपना अंडा रखते हैं कि हमारा अंडा सेल करो, वे हमारा अंडा सेल कर रहे हैं सर। और हमने बोर्ड लगाए हुए हैं, जैसे रोड पे भी आप आए होंगे तो आपने बोर्ड देखे होंगे, रोड पे भी लगाए हुए हैं हमने अपने। तो कभी ऐसा आया कि माल ना बिका हो और माल इकट्ठा हो गया हो आपके? नहीं पास? सर अभी तो ऐसा नहीं आया। बिक जाता है? बिक जाता है, आराम से बिक जाता है। और आपके बर्ड भी बिक जाते हैं? जी आराम से बिक रहे हैं। आपने शुरू किया इससे पहले कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? सर हमने जब 200 बर्ड लेकर आए थे जब तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर जब से हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था हमने पहले यहाँ करने से पहले ट्रेनिंग ली थी सर। कहाँ से ट्रेनिंग ली? मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग ली थी सर। कहाँ? मध्य प्रदेश कहाँ से? सिवनी जिला। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 21 दिन की सर। कोई सर्टिफिकेट भी दिया था उन्होंने? जी सर्टिफिकेट हमारे पास है। अच्छा जैसे आपने ट्रेनिंग की आपको इसका फायदा नजर आया? जी बहुत फायदा नजर आया हमको इसका। और हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि भाई बीमारी जिस फार्म में होती है हम वहाँ पर जाके भी, बीमारी हमारे पास में भी फार्म है वहाँ पे जाके उनकी बीमारी का सावधान करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अपने यहाँ भी कोई बीमारी हमको देखने को मिलती है बीट के, उससे हम देख के पहचान लेते हैं कि बर्ड में क्या बीमारी है, हम उसका मेडिसिन उसको दे देते हैं सर। मतलब इसके आपके यहाँ तो फायदा हुआ ही हाँ। जी, जी जी ट्रेनिंग का आप दूसरे लोगों को भी फायदा दे रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा आप अंडे भी बेच रहे हैं? बिल्कुल। आप चिकन पर्पज से बड़े मुर्गे भी बेच रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपके पास छोटे बच्चे भी हैं, चिक्स हैं। क्या चिक्स भी सेल करेंगे आप? जी हम चिक्स भी सेल करते हैं। करते हैं मतलब? जी जी जी। अच्छा तो ये बताइए इसमें प्रॉफिट कैसा, जब आप इतने दिन से कर रहे हैं अब तो पता लग गया होगा किस हिसाब से प्रॉफिट आता है? सर प्रॉफिट तो हमको अच्छा खासा हो रहा है यहाँ से। और जो हमारी साथ हमारे दोस्त जो पढ़ते थे उनसे मैं 3 गुना, वे जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनसे मैं 3 गुना कमा रहा हूँ अपने फार्म से। जी जी मतलब आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? जी पूरे संतुष्ट हैं जी। दर्शकों ये आदिल भाई ने 2 साल पहले अपना ये फार्म शुरू किया था। पहले इन्होंने 200 बर्ड से शुरू किया, उससे इन्होंने धीरे धीरे सीखा, और उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली मध्य प्रदेश जाकर, उसके बाद इन्होंने ही अपने खेत में अपना फार्म बनाया। जो भाई अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं पर्सनली मेरी उनको ये सलाह है कि पहले आप यदि इस काम में रुचि रखते हैं तो पहले आप अपने यहाँ पर आपके यहाँ मार्केट कैसी है, किस तरह का बर्ड वहाँ बिकता है, तो वो मार्केट सर्च करें। भैया ने भी पहले 200 बर्ड से शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने ज़रूरत समझी तो ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग का इन्हें फ़ायदा भी मिला। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि आप करने के लिए इतने उतावले हैं, पहले आप अच्छी तरह से मार्केट सर्च करें, ज़रूरत पड़े तो ट्रेनिंग लें उसके बाद ही, और एक छोटे लेवल से अपना फार्म शुरू करें। तो ये थे हमारे साथ में आदिल भाई जिन्होंने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग और अपने बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।